गाइस वेलकम है आपको मेरे ब्लॉग में। ये जो रास्ता जो दिख रहा है यही रास्ता मेरे गांव जाता है, ठीक है। तो अभी हम आए हैं घूमने के लिए यार खेत में, तो सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ दिखा दूं। देखिए पीछे पूरा ही खेती खेत है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खेती खेत है। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, आपको मैं पूरा अच्छा अच्छा दिखाऊँगा। तो आ गए हैं एक नए लोकेशन पर। ये पीछे जो देख रहे हैं इसको भपकौवा कल बोलते हैं गाइस। इसमें से पानी निकलता है, इसमें से सभी आदमी पीता है पानी, हम भी कभी कभी आके पानी पीते हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए पूरा ही ठंडकपन पानी है, एकदम अच्छा पानी, बहुत ठंडा पानी निकलता है इसमें से। तो बस ऐसा ही मैं आप लोगों के लिए नया नया ब्लॉग लाऊंगा गाइस, आप लोग ऐसा ही मुझे फुल सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले लोकेशन पर। तो आ गए गाइस अपने लोकेशन पर। ये देख सकते हैं पीछे ये पूरा गन्ने का झाड़ है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये सब, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बोलिएगा, ठीक है, कमेंट करके। देखिए पूरा ही हरा गांव घर में तो ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही ब्लॉग मिलेगा आपको हरा भरा। सिटी में आपको ये सब नहीं मिलेगा गाइस। देखिए कितना अच्छा है, देखिए पूरा ही हरा हरा है, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ा आने में लेट भी हो गया है, खेत में आने में लेट हो गया, थोड़ा इधर थोड़ा दूर पड़ता है हमको, 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो साइकिल से हम आए हैं, अभी शाम का 6 बज रहा है। तो ठीक है आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है, चलते हैं अगले लोकेशन पे। तो गाइस आ गए एक नए लोकेशन पे। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये मरुए का झाड़ है, ठीक है। ये पूरा ही फल चुका है, समझिए 10-15 दिन 1 महीने में कट जाएगा, बहुत ही एकदम अच्छा अच्छा हो गया है, पूरा ही तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो ऐसा ही मैं आप लोगों के लिए नया नया ब्लॉग लेके आऊँगा, आप मुझे फुल सपोर्ट करना, प्यार बरसाना गाइस, ठीक है।